शुक्रवार को सीहोर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा के समक्ष सीहोर विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारों ने दावेदारी प्रस्तुत की। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने बंद कमरे में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सोया चौपाल स्थित होटल रेसिडेंसी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलबीर तोमर की अध्यक्षता एवं जिला कांग्रेस प्रभारी बाबूलाल यादव एवं पूर्व विधायक रमेश सक्सेना की विशेष उपस्थिति में सीहोर विधानसभा के मंडलम सेक्टर अध्यक्ष एवं बीएलए पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा के समक्ष सीहोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट के लिए किसान कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह डांगी, जिला पंचायत के सदस्य शशंक सक्सेना, प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव और सीहोर नगर पालिका परिषद अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 5 के पार्षद राजीव गुजराती के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव राजीव गुजराती के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा सोया चौपाल चौराहे पर कांग्रेस के झंडे बैनरों और नारों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा, सह प्रभारी प्रवीण सक्सेना की ढोल धमाकों के साथ अगवानी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के झंडे लहराते हुए जोरदार आतिशबाजी भी की। केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से भाजपा को उखाड़ फेंका है। अब आपको मध्य प्रदेश में हिम्मत से यही काम करना है और मध्य प्रदेश से भाजपा को बाहर करना है। मतदाताओं के घर घर जाना है। यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NUCI, महिला कांग्रेस, सब लोग एक्टिव होंगे तो हम जरूर जीतेंगे। बैठक के दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश राय, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आष्टा कैलाश परमार, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सीहोर रुक्मणी रोहिला, विधानसभा क्षेत्र सीहोर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हरीश राठौर, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुलाबाई ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ठाकुर, कपिल उपाध्याय, सीताराम भारती, सेवादल कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष नरेंद्र खंगराले, असंगठित कामगार कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष राजेंद्र नागर, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सीहोर जिला अध्यक्ष राजेश भूरा यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलेश चांडक, सीहोर जिला कांग्रेस सचिव माखन सोलंकी, सीहोर जिला कार्यालय समन्वयक के रिछारिया, भगत सिंह तोमर, मछुआ कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष अजय रेकवार, कांग्रेस महासचिव पंकज शर्मा, युवा कांग्रेस नेता नावेद खान, NUCI जिला उपाध्यक्ष मनीष मेवाड़ा, युवा कांग्रेस नेता निशांत वर्मा, मेघा परमार, ओम वर्मा, प्रीतम दयाल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। देखिए, कर्नाटका का चुनाव ने देश के अंदर रोशनी फैलाई कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। उन्होंने, जनता ने दिखा दिया कि हम सब कुछ सह सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं सहन कर सकते, हम सब कुछ सह सकते हैं। ये जिस तरह से अत्याचार हो रहा वो देश के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे उसमें स्टेट में नहीं होना चाहिए। यही आज आपने देखा मीटिंग में स्पष्ट था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो CM है उसके डिस्ट्रिक्ट में निकल के आए, ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर जोश है। वो यहाँ पे भी जिस तरह से लोगों को तोड़ के, किसी को मंत्री पद का लालच, किसी को कोई लालच दे के सरकार बनी, मध्य प्रदेश की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। जो कर्नाटका में हो उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश की जनता से हौसला बटोरते हुए उससे भी ज़्यादा सीटों में हम मध्य प्रदेश के अंदर जीतने जा रहे हैं। नहीं, तैयारी तो हर इलेक्शन की सेम होती है CM का। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर CM के जिले में इतना जोश है तो बाकी स्टेट के दूसरे हिस्सों में क्या जोश होगा, इसका आप इमेजिन कर सकते हैं।